ये 23,000 मतलब कि रुपीस उसने दिया था, हमने उसको बदले में मतलब कि डॉलर दिया था। सब कुछ सक्सेसफुली हुआ था, कोई भी इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ था। बाद में उसने मतलब कि ये हमारे मतलब कि हमारे अकाउंट को रिपोर्ट करके फ्रीज करवा दिया। फिलहाल हम ये मतलब कि बैलेंस हम बात कर रहे हैं, बट वो पेटीएम वाले कह रहे हैं कि अब मतलब आपको एक मतलब कि एक तो ये लो फूड हमें रीजन देना पड़ेगा। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आपको ना जो भी पेटीएम की तरफ से जवाब आया है वो आप मेरे को भेज दें। तो जिसने पैसा भेजा था उसी ने कंप्लेन किया है या किसी पुलिस के द्वारा कंप्लेन है या बैंक के द्वारा है? इसमें कहा जा रहा है कि ये मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि तेलंगाना पुलिस से मतलब कि कंप्लेन आया है। तो इसका ये मतलब है कि किसी और ने किया होगा, क्योंकि जिसने भेजा है आमतौर पे उसने आपको एक तरीके का फ्रॉड पैसा घुमा फिरा के आपके खाते में आया होगा, जिसकी वजह से ब्लॉक हुआ है। तो जिसने भेजा था उसकी कोई जानकारी है, उससे आपने संपर्क किया? उसका नंबर बैलेंस अकाउंट पे नहीं दिख रहा है, नंबर नहीं है उसका स्क्रीन मतलब उसका चैट का स्क्रीनशॉट है। तो उससे फिर दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की आपने? अभी फिलहाल हम मतलब कि ये जो 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 ये फाइनेंस कंपनी है हम उसी से बात कर रहे हैं। तो बैलेंस कंपनी में आप कंप्लेन करके कि भैया जो सामने वाले ने मेरे को पैसा भेजा है वो उसने रिपोर्ट कर दिया है और मेरे को पैसे नहीं मिले हैं एक तरीके से, तो भैया मेरे को उसके खिलाफ आप कंप्लेन करिए। नहीं, पैसे तो हमको मिले हैं, मतलब कि पैसे उसने पैसे भेजने के बाद मिले हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है ना अभी तो आपके, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं है किसने कंप्लेन किया नहीं किया। तो जिसने भी भेजा है उसको तो आप पहले कंप्लेन करो ना। जिसने भेजा है मतलब उसका हमें कंफर्म हो गया कि हाँ इसने हमें को भेजा, लेकिन उसका डिटेल हमारे पास नहीं है और फाइनेंस में मतलब ठीक क्या है, ऐसा कोई डिटेल शो आपको नहीं कर रहा है। आपको जो भी रिप्लाई मिला है ना पेटीएम की तरफ से आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजें, मैं फिर आपको बताता हूँ कैसे आपको अपने अकाउंट को खुलवाना है और क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है सर। मैं सर वो ब्लॉक फ्रीज हो गया है सर, कौन सा अकाउंट फ्रीज हुआ है? कारण? पेटीएम पेमेंट बैंक का। सर कल मैंने एक पेटीएम एजेंट से अपने मोबाइल में पैसे डलवाए थे सर, मुझे ईएमआई पे करनी थी सर। अभी तक तो सही चल रहा था सर, उसके बाद सर जैसे ही वो पैसे डलवाने के बाद सर फ्रीज हो गया एकदम से। मतलब डलवाते ही पैसे आते ही आपने किसी को वो भेजा भी नहीं और फ्रीज हो गया। हाँ फ्रीज हो गया वो पैसा कहाँ से आया था आपको, मतलब सर। वो तो मैंने पेटीएम की उनसे डलवाया था, एजेंट से सर। सर कैसा एजेंट था वो? वो तो रोज ही उनसे डलवाता हूँ मैं। तो उनसे पूछा नहीं आपने कि पैसा डालने की वजह से? तो एजेंट का भी ब्लॉक हो गया। नहीं, एजेंट का चल रहा है सर, मेरा ही ब्लॉक हुआ है। एजेंट फिर का सर कौन सा मैंने बैंक है एजेंट का सर पेटीएम पेमेंट बैंक ही उनका भी है। फिर सर और मैंने सर आपका भी साइबर पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो जी फिर जी फिर रिपोर्ट किसने किया है? जब मैंने सर कॉल की इनको हेल्पलाइन नंबर पे, तो उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम द्वारा आपका हुआ था, यूपी पुलिस के द्वारा नहीं साइबर क्राइम तो बता किस रहे। वजह से आप, कौन सा अमाउंट है जो उसने भेजा फ्रॉड है उसी को ट्रांजेक्शन, लेके? तो वो ट्रांजेक्शन सर अभी तक बताया नहीं गया है सर। मैंने कब ट्रांजेक्शन के बाद ही पता चलेगा ना कि किस ट्रांजेक्शन को लेकर और किस तारीख सर को। बताइए मैं क्या करूं सर। तो वो पेटीएम से ही आप ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, हेल्प डेस्क के माध्यम से या कस्टमर केयर के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि किस ट्रांजेक्शन को लेकर कितना अमाउंट है और किस पुलिस के द्वारा आपका हाँ अकाउंट फ्रीज किया गया है। वो डिटेल जी, ठीक लेकर आप मेरे को व्हाट्सअप करें, मैं फिर आपकी मदद करता हूँ। है सर, थैंक यू सर।